प्यासा कौआ। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौआ रहता था। गर्मियों का समय था, सब नदी बाग बगीचे सब सूख गए थे। एक दिन कौवे को बहुत जोर की प्यास लगी। वो पानी की तलाश में वह बहुत दूर तक उड़ता रहा, लेकिन उसको पानी कहीं नहीं मिला। बहुत देर तक उड़ता उड़ता कौवे को एक कुआं दिखाई दिया। वह उड़ता उड़ता उस कुएं पर आकर बैठ गया। कौवा कुएं में झांककर देखने लगा कि इसमें पानी है या नहीं। कुआं तो बिल्कुल सूखा हुआ था। कौवा यहाँ से भी निराश होकर उड़ चला। उड़ते उड़ते उसे पेड़ के नीचे एक मटका दिखाई दिया। वह मटके पर आकर बैठ गया। वह मटके में झांककर देखने लगा। मटके में तो पानी बहुत कम था। कौवा सोचने लगा कि मैं पानी कैसे पीऊँ। तो फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने मटके के पास पड़े हुए कंकरों को देखा और एक एक करके कंकरों को उठा उठा कर मटके में डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मटके का पानी ऊपर आना शुरू हो गया था। अंत में मटके का पानी ऊपर आ गया था और कौवे ने जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। फिर वह वहाँ से उड़ चला। अंत में हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत हमेशा रंग लाती है। बाय किड्स। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।